हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस एसक्यूएल के वीडियो की सीरीज में आज हम लोग प्रायोरिटी क्यू देखेंगे। और प्रायोरिटी क्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी हमें ग्राफ की कोडिंग करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिम्स एल्गोरिथम और डाइस्ट्रा एल्गोरिथम, तो उसमें हमें प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग करेंगे, तो उसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की को अगर आपको परफॉर्म करना है, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को आपको परफॉर्म करना है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करेगा। तो प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी, दैट इज क्यू। एंड देन उसके बाद हमें मेन में एक प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू नाम से हम एक कीवर्ड डिक्लेयर करेंगे। एंड देन उसके बाद एंगल ब्रैकेट में जिस टाइप का हमें प्रायोरिटी क्यू चाहिए हम उसके टाइप लिख देते हैं। एंड देन हम इसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, मैक्स पी क्यू। तो ये जो मैक्स पी क्यू है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रायोरिटी क्यू है वो बाई डिफॉल्ट मैक्स प्रायोरिटी क्यू होगा। और इसमें जब आप इस प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे, तो इसमें जो डिलीशन होगा, तो सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट का डिलीशन है। सिमिलरली अगर आप इसमें कोई किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप डालते हैं, लेट्स से 25, 2, 3, 66, 12, 89, 7 और 10, तो अगर आप आइटम्स को इस ऑर्डर में डालेंगे, तो जब आप डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले जो डिलीट होने वाला आइटम होगा, दैट विल बी 66। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम पुश फंक्शन का यूज करेंगे, और ये जो पुश फंक्शन है उसमें सबसे पहले हम 25 इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और जितने भी इंसर्शन ऑपरेशन हमें करने हैं, बस डेटा वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 2, 3, 66, 12, 89, 7 और 10। तो इस तरह से हम लोगों ने इंसर्शन कर दिया है, और इस इंसर्शन करने के बाद अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारे आइटम सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा कि केवल टॉप एलिमेंट की विजिबिलिटी होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टॉप एलिमेंट की विजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है मैक्स पी क्यू, इस मैक्स पी क्यू डॉट टी ओ पी आप करेंगे, तो इसमें से टॉप एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए। तो आइए रन करके देखते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो आपने लार्जेस्ट एलिमेंट डाला था, दैट वाज 89, और 89 ही यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। देन इसके बाद अगर आपको एलिमेंट वन बाय वन डिलीट करना हो, और डिलीट करके आपको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं, तो उस केस में आपको एक लूप लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, या आप लूप में लगा के, मैंने वाई फॉर लूप में लगा के आप वाई लूप लगा सकते हैं, वाई नॉट मैक्स पी क्यू डॉट एम्प्टी। तो एम्प्टी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, और जब तक हमारा मैक्स पी क्यू एम्प्टी नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे कि इसके टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले भी कराएंगे, और साथ ही साथ एक एक एलिमेंट हम डिलीट भी करते चले। तो सबसे पहले हमने टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिया, एंड देन उसके बाद मैक्स पी क्यू से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके एलिमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। एलिमेंट्स हमारे सेग्रीगेटेड दिखे, तो इसके लिए आप चाहें तो एंडल लगा सकते हैं, या फिर आप स्पेस लगा सकते हैं। हम रन करके देखते हैं इसको। आप चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले 89, देन 66, देन 25, देन 12, देन 10, देन 7, देन 3, देन 2। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो प्रायोरिटी क्यू हमने इम्प्लीमेंट किया है वो डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इसका इंसर्शन हुआ था, उसमें जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो मैक्सिमम एलिमेंट पहले डिलीट हो रहा है। यहाँ माना यह जा रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब कि लार्जर एलिमेंट हैज मोर प्रायोरिटी इन दिस, एंड स्मॉलर एलिमेंट्स हैज लेस प्रायोरिटी इन दिस। देन इसके बाद आइए हम एक काम करते हैं कि इसी प्रायोरिटी क्यू को हम मिन प्रायोरिटी क्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिन प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए हमें बस एक सिंपल सा डिक्लेरेशन अपना बस चेंज करना है। सो आवर डिक्लेरेशन विल बी प्रायोरिटी क्यू, इंटीजर हमारा टाइप ऑफ एलिमेंट है, एंड देन इसके बाद दो और चीजें, वेक्टर इंटीजर एंड देन ग्रेटर इंटीजर। तो इस तरह से हमारा ये मिन प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम ऊपर की तरफ ही लेके आते हैं। ये जो हमारा डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को हमने चेंज कर दिया। इसमें तीन पैरामीटर है। पहला जो पैरामीटर है वो बता रहा है कि किस तरह के एलिमेंट्स इसमें होंगे, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर इसको मिन प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए यूज किया जा रहा है।
देन इसके बाद इसका जो नाम है हमने मैक्स पीक्यू की जगह मिन पीक्यू दिया, तो अब हम चेंज करते हैं इसका नाम मिन पीक्यू जहाँ जहाँ हमने मैक्स पीक्यू किया था, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो हमारा डिलीशन होगा पहले आइटम का वो मिनिमम एलिमेंट का डिलीशन होगा, और हम टॉप एलिमेंट को भी डिस्प्ले अगर करेंगे तो सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट डिस्प्ले होगा फॉलोड बाय द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब तक मेन प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम मेन प्रायोरिटी क्यू के टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे एंड देन उसके बाद इसको डिलीट कर दें। रन करके देखते हैं। तो हियर यू कैन सी दैट सबसे पहले 2, 3, 7 देन 10, 10, 25, 66, 89, इसका मतलब ये असेंडिंग सीक्वेंस में नंबर्स आए। असेंडिंग सीक्वेंस में नंबर्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तो हमने माना है कि यहाँ पे जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है वो मिन प्रायोरिटी क्यू है और उसमें सबसे पहले डिलीशन स्मॉलेस्ट एलिमेंट का होगा फॉलोड बाय द लार्जर। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा आई होप प्रायोरिटी क्यू एसटीएल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में या सेट डेटा स्ट्रक्चर इन एसटीएल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।